डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर की। कॉमन भाषा में इसको पित्त की थैली या फिर गॉल ब्लैडर कहा जाता है। व्हाट आर द सम कॉमन कॉजेज ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर? दीज आर ओबेसिटी, डायबिटीज, गॉल स्टोन्स। अगर हमारे गॉल स्टोन्स लंबी देर तक पड़े रहते हैं तो वो क्रॉनिक इरिटेशन करते हैं, जो कि कई बार गॉल ब्लैडर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा बहुत कम परसेंटेज ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर जो हैं जेनेटिक ओरिजिन के भी हो सकते हैं। कुछ स्टडीज में स्मोकिंग हैज आल्सो बीन सीन टू कंट्रीब्यूट टू गॉल ब्लैडर कैंसर। सो हाउ डज अ पेशेंट प्रेजेंट्स और व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स जिससे हमें यह संदेह होता है कि कोई ना कोई कैंसर हो सकता है गॉल ब्लैडर में? देयर आर नो स्पेसिफिक या कोई खास साइन सिम्टम्स नहीं है गॉल ब्लैडर कैंसर के, बट जनरल सिम्टम्स जो हैं वो ये हैं कि अपर अबडोमिनल पेन, मतलब अपर बेली पेन मोर टुवर्ड्स द राइट साइड, लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, एंड समटाइम्स गॉल ब्लैडर जो है हमारा वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बाइल को हैंडल करता है और हमारा बाइल जूस उसके आसपास की जो डक्ट्स हैं और उसके थ्रू स्टोर होकर निकलता है। तो समटाइम्स पेशेंट डज प्रेजेंट विद अ पेनलेस जॉन्डिस इन गॉल ब्लैडर कैंसर। हाउ डू वी डायग्नोज दिस कैंसर? नाउ वन ऑफ द कॉमनेस्ट मोडेलिटी वेयर वी सी दैट पेशेंट इज प्रेजेंटिंग टू गॉल ब्लैडर मास इज एन अल्ट्रासाउंड। जनरली यह अल्ट्रासाउंड किसी और चीज के लिए किया जाता है, जैसे कि पेट में दर्द या कोई और सिम्टम्स के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है कि गॉल ब्लैडर में गांठ या मास दिखती है। वंस वी हैव अ मास इन द गॉल ब्लैडर, देन टू रिकन्फर्म दैट दिस मास इज बिकॉज ऑफ कैंसर और ट्यूमर फॉर्मेशन, वी डू फर्दर स्पेशलाइज टेस्ट। ये टेस्ट कुछ इस तरह के हैं, जैसे कि सीटी स्कैन पूरे एब्डोमेन का। कुछ सिचुएशंस में हम अगर पेशेंट जॉन्डिस की तरह प्रेजेंट करता है तो हम एमआरआई करते हैं। ये स्पेशल तरह के एमआरआई को वी से एमआरसीपी, विच इज डन टू सी कि जॉन्डिस जो है किस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन से हो रहा है। थर्ड टेस्ट इज पेट स्कैन। पेट स्कैन इज टू नो द स्टेज ऑफ द कैंसर। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा गॉल ब्लैडर कैंसर है वो वहीं पर रिस्ट्रिक्टेड है, किसी और स्ट्रक्चर्स में, नोड्स में, लिवर में या लंग में स्प्रेड है या नहीं है। समटाइम्स वी ऑल्सो डू एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड्स, जो कि हमें ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने में और डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। जो कन्फर्मेशन होता है डायग्नोसिस का गॉल ब्लैडर कैंसर का, दैट इज डन बाय बायोप्सी और एफएनएसी, वेयर वी पुट अ नीडल अंडर द गाइडेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, और समटाइम्स हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, मतलब कि हम अपर जीआई से दूरबीन डाल के उस दूरबीन को जो हम अंदर डालते हैं उसके साथ एक अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, उसकी गाइडेंस से हम एफएनएसी करते हैं। वंस दिस डायग्नोसिस इज कंफर्म, देन वी स्टेज इट। स्टेजिंग इज एट स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर। स्टेज वन अर्ली होता है। स्टेज टू और स्टेज थ्री में जो गॉल ब्लैडर कैंसर है वो या तो लिवर के सरफेस के साथ चिपका हुआ, गॉल ब्लैडर जो हमारा पित्त की थैली है वो लिवर के सरफेस के साथ चिपका हुआ होता है, तो स्टेज टू स्टेज थ्री में या तो वो लिवर में इन्फिल्ट्रेट कर रहा होता है या फिर कुछ नोड्स होते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के साथ, गॉल ब्लैडर के साथ। और स्टेज फोर एडवांस स्टेज होती है, जब ये कैंसर अदर ऑर्गन्स में जैसे कि लंग्स, बोन्स में स्प्रेड होता है। इन अर्ली स्टेजेस वी डू सर्जरी, एंड दिस इज अ कम्प्लीट रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विद द लिम्फ नोड्स जो गॉल ब्लैडर के अराउंड हैं और कुछ पार्ट ऑफ लिवर सर्फेस। सो सर्जरी शेल बी डन बाय अ कैंसर स्पेशलिस्ट हु रिमूव्स द होल कम्प्लीट गॉल ब्लैडर एज वेल एज द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेज टू स्टेज थ्री में कई बार ये कैंसर फैला होता है तो हम कीमोथेरेपी दे के इसको कम करते हैं और फिर सर्जरी करते हैं। एंड समटाइम्स अगर हमारा गॉल ब्लैडर कैंसर अनरिसेक्टेबल होता है, इसका मतलब कि उसकी सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के साथ वो एडहेयर्ड है और वो नहीं निकल सकता, तो हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों इकट्ठे करते हैं। कमिंग टू स्टेज फोर गॉल ब्लैडर कैंसर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेटास्टेटिक और एडवांस्ड गॉल ब्लैडर कैंसर, इसकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है दैट इज कीमोथेरेपी। देयर आर न्यूअर थेरेपीज विच आर नाउ अवेलेबल,
इसमें कुछ तरह की टारगेटेड थेरेपीज हैं, जैसे कि हम हर टू पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं, वैसे ही कई बार गॉल ब्लैडर कैंसर में एक हर टू प्रोटीन पॉजिटिव आता है। नाउ ऑल्सो देर इज़ अ रोल ऑफ इम्यूनोथेरेपी, देर इज अ रीसेंट स्टडी जहाँ पे ये दिखाया गया है कि अगर इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी एट डायग्नोसिस कंबाइन किए जाएं, तो उससे हमारा ओवरऑल लाइफ स्पैन और रिस्पॉन्सेस जो ट्यूमर में आते हैं वो बढ़ते हैं। ऑल्सो अगर आपके ट्यूमर में एक स्पेशल तरह का टेस्ट होता है जिसको हम MSI टेस्ट कहते हैं, अगर ये MSI टेस्ट हाई आता है या अनस्टेबल आता है तो हम इम्यूनोथेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इन द लास्ट आई वुड लाइक टू समराइज दैट गॉल ब्लैडर कैंसर इज यूजली डायग्नोस्ड इन लेट स्टेजेस। सो दिस इज अ टिपिकल कैंसर वेयर दिस स्टेटमेंट होल्ड्स 100% ट्रू दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्लीज अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल।